नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष तोमर। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं या जो सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि यार कनाडा मूव तो करना है लेकिन वर्क परमिट वहां से कैसे ले। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा से वर्क परमिट कैसे ले सकते हो, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो और वीडियो को लाइक कर लो। देखिए, अगर हम बात करें कि कनाडा से वर्क परमिट हम कैसे ले सकते हैं या कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपको वे नहीं पता है, आज उसी वे के बारे में हम बात करेंगे। आप अपने घर से भी उसको अप्रोच कर सकते हो एम्प्लॉयर को, और अपने घर पे बैठ कर आराम से अप्लाई कर सकते हो। जो हम लोग करते हैं वो पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, और जो भी ऑफिस में आता है स्टाफ उसको भी ये चीज़ें बताते हैं, चाहे वो मुझसे बात करे या स्टाफ से बात करे। हम ये बताते हैं कि हम डायरेक्ट वर्क परमिट कनाडा से नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया से हम डायरेक्ट परमिट नहीं निकलवा के देते हैं, यूके से डायरेक्ट वर्क परमिट हम नहीं करा के देते हैं। हम सिर्फ प्रोग्राम में फाइल लगाते हैं जिसके जरिए आपका वर्क परमिट आता है। फाइल किस वे में लगाते हैं, हम किसके थ्रू लगवाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो आज का मैटर है वो मैटर है कि आप डायरेक्ट कैसे आप एम्प्लॉयर को कनाडा में अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से अपनी फाइल ले सकते हो। और जो अलग अलग एजेंट है या कंसल्टेंट है वो आपको बताते हैं जी पहले आप बायोमेट्रिक करा लो, पहले आप मेडिकल करा लो। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है और कौन से ऐसे स्टेप होने के बाद में आपको वर्क परमिट मिलता है। देखिए, बहुत सारी तो ऐसी वेबसाइट है, जॉब बैंक वगैरह, जो कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, इंडीड वगैरह है, जिनसे अप्रूवल मिलता है, ठीक है, और आप एम्प्लॉयर को वहाँ पे सर्च कर सकते हो। या 0.1 or 2% ऐसा होता है कि आप विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पे है, आप वहाँ पे गए, आपका कोई नॉन है, उन्होंने पहले ही सेटिंग की हुई है कि आपको पॉजिटिव लीमिया वहाँ से कोई देगा। और लीमिया की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि वो कितने में मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बना दिया वहाँ पे कि लीमिया की तो फीस कम जा रही है, $1,000-1,200 के आसपास जा रही है, लेकिन लीमिया लेने के लिए वहाँ पे जो इंडियंस है उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, 20 लाख 25 लाख, एक स्टैंडर्ड है जी, आपको 30 लाख खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैटेगरी के ऊपर होता है, ठीक है, जैसे ओ ए बी सी कैटेगरीज आती है, ठीक है। ओ ए में क्या है कि जो हाई लेवल पे और हाई स्किल्ड जो एप्लीकेंट है तो उनकी कैटेगरी आती है, मतलब उनको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। और कुछ कैटेगरी में ऐसी है, आपने सुना होगा कि वर्क परमिट कनाडा में विदाउट आईलेट्स, विदाउट वेस, ठीक है, तो वे कैटेगरीज होती है जिनमें लो स्किल होती है और जिनमें इंग्लिश कम्युनिकेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है कि, तो वहाँ पे उनको आईलेट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ब्रंसविक है, हम फाइल लगाते हैं ब्रंसविक में, ठीक है, कुछ प्रोग्राम में ब्रंसविक के CLB 4 मांगते हैं, वो जो स्टार्टिंग का स्कोर होता है आईलेट्स में, और कुछ में मांगते ही नहीं है और कुछ में हाई आईलेट्स का स्कोर मांगते हैं, तो हम ब्रंसविक में फाइल लगाते हैं, वहाँ से आपको वर्क परमिट करा के देते हैं। लेकिन अभी अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो वो क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है, एम्प्लॉयर को अप्रोच करनी है और उनसे पॉजिटिव लीमिया लेना है, और डिपेंड करता है कि वो क्या डिमांड करते हैं आपसे, तो आप उनकी फ़ीस दो और आप वहाँ से अप्रूवल ले लो, अप्रूवल लेके आपको एक पॉजिटिव लीमिया आपको भेज देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने अप्रोच किया और डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक लगते हैं, एम्प्लॉयर को आपके डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने लो जी हमने आपको अप्रूवल दे दिया। किसी के पास में प्री अप्रूवल लीमिया होता है तो ठीक है, उसमें आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को आपके लिए लीमिया वहाँ से लेना पड़ता है तो उसमें क्या है कि वहाँ पे दिखाना पड़ता है जी ये जो स्किल है इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया लेकिन यहाँ पे बंदा नहीं मिला है, तो मेरे को भी बाहर से हायर करना पड़ेगा, उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ती है और उसके बाद में फिर उनको लीमिया का अप्रूवल मिलता है, इसके बाद जाके फिर वो आपको ये पॉजिटिव लीमिया आपको भेजते हैं। देन जब आपको लीमिया मिल जाता है उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, और जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है देन उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक की जो भी फीस वगैरह जाती है VFS वगैरह में वो अपनी फीस पे करके और देन आप अपना बायोमेट्रिक करा लो। और जैसे ही वहाँ से आपका अप्रूवल आ जाता है इमिग्रेशन से, देन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जी मेडिकल कब कराना है, मेडिकल का तो बताया ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट करा रहे हो
तो डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है, ठीक है। जो अभी प्रोसेसिंग टाइम है वो कुछ लंबा जा रहा है, और जब आपका प्रोसेसिंग टाइम मतलब वो प्रोसेसिंग में आ जाता है आपका और एक प्रोसेसिंग टाइम फाइनल हो जाता है, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके होने के बाद में देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ सबमिट हो जाते हैं एम्बेसी में, और फिर वहाँ से आपका अप्रूवल आ जाता है। आपका जो पेस्टिंग होती है जो वीज़ा की आपके पासपोर्ट पे, वो आपको वहाँ से मिल जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या है कि एक तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव लीविया मिला है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, प्रोसेसिंग टाइम भी हो गया और मेडिकल भी सबमिट कर दिया है आपने और सब कुछ कर दिया है, और उसके बाद में आप बेफिक्र बैठ जाओगे जी मेरा यहाँ से वीज़ा का अप्रूवल होगा होगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपने 5 साल का अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है और उस बेस पे आपको एम्प्लॉयर ने पॉजिटिव लीविया भेजा है, तो वो कंसिस्टेंसी आपके वर्क में होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 3 साल का दिखाया, 5 साल का दिखाया, 10 साल का दिखाया, A to Z मतलब ABCD कुछ भी बोल सकते हैं हम, जो भी आपने दिखाया है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल का दिखा दिया जी और 1 साल कहीं काम किया है, 1.5 साल कहीं काम किया है और हाफ ईयर कहीं काम किया है, ऐसा नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने कहीं 3 साल काम किया है तो उसमें क्या है, 1 साल आपने काम किया है और फिर 6 महीने आपने कहीं काम ही नहीं किया है, फिर उसके बाद में फिर 1.5 साल काम किया है, फिर उसके बाद में 2 महीने कहीं काम नहीं किया, फिर उसके बाद में काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका वर्क है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा वहाँ से। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने या जो भी एक्सपीरियंस या जो चीज़ उसने मांगी है इमिग्रेशन ऑफिसर ने, आपके सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास में एट ए टाइम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जी ये तो है ही नहीं है, आपने मेंशन कर दिया लेकिन वो चीज़ें है ही नहीं है तो रिफ्यूज़ल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ से पॉजिटिव लीमिया है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा मिलेगा ही, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स। और डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आपने क्या दिखाया है, उसमें क्या शो किया है, कहीं आपका उसमें लैब तो नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को खुद से अप्लाई करना है तो, हालांकि खुद से या डायरेक्ट वर्क परमिट आज के टाइम में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बहुत मुश्किल है, लेकिन बाई चांस अगर आपको लीविया मिल भी जाता है किसी एम्प्लॉयर से, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर वे में रखो, CV का फॉर्मेट कैनेडियन फॉर्मेट में रखो, और जब आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में बायोमेट्रिक वगैरह है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पूरा होने के बाद में मेडिकल है, और देन जो है आपके डॉक्यूमेंट्स फिर लास्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में पहुँचते हैं, वो पूरे पूरे प्रॉपर होने चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो भी सर्च करना चाह रहे हैं, इंडीड वगैरह है, जॉब बैंक वगैरह है, लिंक्डइन वगैरह है, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयर को। तो जो ये तीनों वेबसाइट है, लिंक्डइन और इंडीड जॉब बैंक वगैरह, तो इन तीनों साइट पे जाओ, जाके वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढो, उनको अप्रोच करो, तीनों वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इनसे जॉब नहीं मिली है, जॉब मिली है, कनाडा लगा लो आप, यूरोप में लगा लो, ऑस्ट्रेलिया में लगा लो, लेकिन थोड़ी मेहनत और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। तो इसी के साथ में जय हिंद।